खबर गया से है, जहां बुधवार के दिन बुनियादगंज थाना क्षेत्र के दुकान और घरों को चोरों ने निशाना बनाया। नगद व सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। आपको बता दें कि इन दिनों चोरों के आतंक से लोग डरे और सहमे हुए हैं, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली में कमी के कारण चोर चोरी की घटना को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार शहर में चोरी की घटना बढ़ती जा रही है, जिससे गया शहर में रहने वाले लोग डर सहम कर जीवन जीने को विवश हो रहे हैं। किंतु सवाल यह है कि खाकी वर्दी की पुलिस गश्ती शहर में रहने के बाद भी चोर चोरी की घटना को कैसे अंजाम दे रहे हैं। मोबाइल भी लेके चला गया, वाईफाई भी लेके चल गया, वाईफाई भी जो था जो मोबाइल में था वो भी लेके भाग गया, सब कुछ वही लेके चल गया। वाईफाई मोबाइल लिया के बाद अलग बहुत चलेंगे ना सर, अभी घटना बढ़ रहा है मान ये पानी जाने वाले बाहर है किलो इसी का चला कि जगह पर गिर देखो तो कहे राजा सिद्धि की। अच्छा, रात में एक अज्ञात आदमी आया था तो हम देखे तो वही फिर देखने लगे तो मोबाइल दो मोबाइल ले गया था और 300-400 पैसा ले गया था। कितने लोग थे? हम तो एक ही आदमी को देखे थे। अच्छा, आपके घर कैसे इंटर किया वो, अंदर कैसा है? अंदर आने का मतलब कि उस समय तो पता नहीं चला था, किसी घर से दूसरे घर से ही हमारे घर में इंटर किया था। प्रशासन को सूचना दी गई है? प्रशासन को तो सूचना मतलब हमारा भाई मुन्ना जी दिए और वो इंक्वायरी कर रहा है। क्या लगता है आपको किस तरह की ये घटना हुई है? ये तो चोरी वाला ही घटना है, क्योंकि पैसा ले गया दो मोबाइल। कितना पैसा ले गया? मोबाइल 300-400 रुपया ले गया है और दो मोबाइल ले गया। किसी को हानि भी पहुँचाया है? नहीं, किसी को हानि नहीं पहुँचाया, लेकिन लेडी लोग दूसरा रूम में सोया हुआ था उसको भी मतलब कि बाहर से भी लॉक कर दिया था और दूसरा रूम में भी इंक्वायरी किया, मतलब सामान वामान इधर उधर किया है, लेकिन उसको लगता है कुछ हाथ नहीं मिला। उसके बाद फिर हमको डायरेक्ट उससे देखे, लेकिन थोड़ा अंधेरा टाइप था और मतलब कि जैकेट पहना हुआ था, थोड़ा पीला था और ब्लू टाइप का था। 3:20 में देखा गया चोर को और 2,500 नकदी पैसा हुआ है और 2 रफली मोबाइल रखा हुआ था, वो सामान लेके गए हैं और जो बस का था उसमें मतलब कि उसमें देखा गया है और एक रूम में दरवाज़ा लगा दिया गया था जिसमें भाभी सोई हुई थी, कजन भाभी। कितने बजे की घटना है ये? घटना है मेरा चचेरा भाई लगभग 3:20 में उनको लड़का को देखा, ये छत पे चढ़ रहे थे, वो चोर जो था वो छत से सीढ़ी के माध्यम उतर रहे थे। लगता है 11:30 बजे रात में घटी है। अगल बगल से पता चल रहा है कि दीवार तोड़ने की कुछ आवाज़ आ रही थी, फिर हमने नज़रअंदाज कर दिया, अगल बगल से पता चला है और तोड़ कर जो भी मेरे काउंटर का पैसा उसका था, मछली इतना पैसा था, पैसा 3816 रुपया था। और मछली भी चोरी हुआ? हाँ, मछली भी। कितना हुआ? 2 क्विंटल की लपेट में मछली लेके चला गया। ये दुकान कहाँ पर है? ये दुकान मानपुर सूरज पोखरा रोड का है। आप मालिक हैं दुकान के? जी।